पूरे यूक्रेन पर रूसी एयर स्ट्राइक का अलर्ट, ब्रेक करिए। बीच में दूसरी बड़ी खबर, पोल्टावा, जाइटोबीर और विनिसिया में अलर्ट हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी क्रूज मिसाइल से हमले का अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, 24 घंटे में रूसी मिलिट्री कैंप पर 12 हमले, ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमले में एक कमांड पोस्ट, 2 गोला बारूद डिपो तबाह हो गए। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन को जल्द बुल्गारिया देगा S-300। यह बड़ी खबर आ रही है, बुल्गारियाई संसद में विधेयक पास हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, 2 दिनों से स्वीडन में लगातार धमाके, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हालसेवी के बाद लिकोपिंग में विस्फोट से दहशत, विजुअल्स के साथ ये देखिए जरा, ये तस्वीरें वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं। छठी खबर, ईरान ने तैयार किया नया कामिकाजी ड्रोन, ब्रेक करिए। नए ड्रोन में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल। इस सब के बीच में सातवीं बड़ी खबर, सीधे आइए, पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बढ़ रहा है असंतोष, दिखाइए जरा विजुअल। पाक सेना की गाड़ी पर आम लोगों का हमला, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। पाकिस्तान में सेना, ये देखिए जरा, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो विद्रोह है वो देखिए, पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर आम लोगों का हमला। मैं चाहूंगा जरा टिकट में खबर ऑन करें, ये देखिए पाकिस्तानी सेना पर आम लोगों का हमला, ये देखिए। इस सब के बीच में आठवीं बड़ी खबर, सीधे आइए, इराक में मैरिज हॉल में लगी आग, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, विजुअल दिखाइए राहुल, 150 से ज्यादा जख्मी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल, ये जरा आठों ब्रेकिंग इस वक्त दिखाइए हमारे दर्शकों को, ये आठों ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, और इसके बाद सीधे हम सभी खबरों के बाद यूक्रेन में रूसी एयर स्ट्राइक का अलर्ट, पोल्टावा, जाइटोबीर, वेनेटिक्सिया में अलर्ट हो गया है, और फिर ये देखिए किस तरीके से जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है रशिया के, उन पर अटैक किया गया है, 24 घंटे में 12 हमले किए गए हैं, फिर यूक्रेन को बुल्गारिया देगा S-300।